हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। तो हमारा जो इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आज हम सेकेंड चैप्टर एक दल के प्रभुत्व की दौर की ओर चल रहे हैं। होप आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कम्प्लीट हो गया होगा। MCQ वीडियो भी आपको मिल गई थी, तो दो आपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लिया होगा। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने थे उससे या कोई क्वेरी होगी तो होगी होगी सॉल्व। अब हम फिलहाल अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, एक दल की प्रभुत्व का दौर। तो पहले हम चैप्टर के नाम की तरफ चलते हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। मतलब ऐसी कोई भी दल जो भारत सरकार में या भारतीय राजनीति में अपना प्रभाव दिखाता हो, तो ऐसे सिर्फ अगर हम लेके चले फिलहाल एट प्रेजेंट, तो ऐसा दल कांग्रेस पार्टी रही है जो पहले तीन चुनाव में अत्यंत बहुमत के साथ बनी थी। तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और भी कुछ विपक्षी पार्टीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं या जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टियाँ जो हमें बता रखी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और उन्हीं से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पर फिलहाल हम थोड़ा बेसिक जो चैप्टर के स्टार्टिंग बता रखा है उसके बारे में बताते हैं, जो मतलब ज़रूरी भी है। तो आप सभी जानते हैं, आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा कि भारत किन स्थितियों में आज़ाद हुआ है। भारत में इतने दंगे हैं, इतने क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठ रही हैं। उस समय पर भारत ने, तब भी भारत लोकतंत्र को ही फॉलो करना चाह रहा है, पर भारत के पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका को अगर हम लेके चले, तो श्रीलंका 1948 में हमारे एक साल बाद आज़ाद हुआ था, पर उसने लोकतंत्र स्थापित नहीं की थी। पर भारत के नेताओं में ये विश्वास था कि लोकतंत्र हमारे लिए परेशानी नहीं है, बल्कि हमारी परेशानियों का सुझाव लोकतंत्र है। ये बात बहुत अच्छी रही, और लोकतंत्र को बनाए कायम रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि संविधान, हमें पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा तैयार हो गया था, बट वो लागू 26 जनवरी 1950 में था। तो मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जब हमारे 1949 नवंबर में बनकर तैयार हो गया था, तो उसे 1950 में ही क्यों लागू किया गया था, बट क्या स्पेशल था उसमें। तो अगर जिस बच्चे को पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं खुद कमेंट सेक्शन में आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। बट फिर पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें आता है या नहीं आता। तो ऐसे ऊपर स्टार्टिंग में भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950 में। ये आप स्टार्टिंग वाले पेज पर ही पढ़ोगे इतना सब कुछ कि चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950 में। चुनाव, भारत सरकार को लग रहा था कि पहले जो प्रथम आम चुनाव है वो हमारे 1950 में ही हो जाएंगे, बट ये जितना आसान लग रहा था उतना आसान रहा नहीं। इसके कारण क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी जो लोकतंत्र के टाइम प्रथम आम चुनाव को अगर हम लेके चले, तो परेशानी ये थी कि भारत में सिर्फ 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 15% ही एजुकेटेड थे, और भारत सरकार के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार अपनाया गया, जिसके कारण सबको वोट देने का अधिकार था। अगर हम उस टाइम चले तो उस टाइम यूरोप जैसे देशों में भी महिलाओं को चुनाव वोट डालने का अधिकार नहीं था, पर भारत ने आज़ादी के समय से ही एक एट पर्टिकुलर एज के बाद आप वोट डाल सकते हैं। मे भी शायद आज़ादी के समय ये 21 थी, तो उस समय आपको डालना था, और ये नहीं था कि पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष ही डालेंगे, नहीं, महिलाओं को भी ये वोट दिया गया था कि हाँ वो 21 तारीख, अगर वो 21 साल से ज़्यादा एज वाले हैं, 21 साल उनकी उम्र है, तो वो वोट डाल सकते हैं। तो इसकी भी बहुत आलोचना हुई थी विश्व स्तर पर कि भारत ऐसी बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र सब बड़े अमेरिका जैसे देशों में माने, तो ऐसी जगहों पर था। भारत अभी नया आज़ाद हुआ फिर भी उसने लोकतंत्र अपनाया, तो इसकी बहुत ज़्यादा हुआ था कि नहीं ये ख़राब होएगा, भारत मान नहीं रहा। कुछ कवियों ने भी इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। कुछ लोगों का मानना था कि पंडित नेहरू चाहते अपनी जीते जीत वो देखना चाहते हैं कि लोकतंत्र कैसे ख़त्म हुआ भारत में। तो ऐसी आलोचना हुई, पर उन आलोचनाओं के बावजूद भारत ने प्रथम चुनाव किए, और जो कि बहुत शानदार, जिनमें बहुत शांति से और शानदार तरीके से उनका रिजल्ट है, अभी हम उसकी तरफ भी चलेंगे। पहले ये डिसाइड हुआ था कि 1950 में होंगे चुनाव, बट 1950 तक काम ख़त्म नहीं हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया लिस्ट वगैरह बनाना, एरिया अलॉट करना, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो 1951 में लास्ट अक्टूबर से स्टार्ट हुए, और 1952 फरवरी में चुनाव जाकर ख़त्म हुए थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो 1952 आप उसका आंसर लिखें अगर MCQ में आता है। और अब हम पढ़ रहे हैं पहले तीन चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो हमारा पहला प्रथम चुनाव हुआ था 1952, सेकंड हुआ था 1957, और थर्ड हुआ था 1962, जिसमें कांग्रेस अत्यंत
वोटों से 364, 371, 361 ऐसे वोटों से कांग्रेस जीती कि विपक्ष बिल्कुल नाम मात्र नेगेटिविटी आप शो कर सकते थे कि हाँ विपक्ष। प्रथम आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के 16 वोट थे और सेकंड हाईएस्ट वोटिंग में रही थी, तो आप देख सकते कितना मतलब 16 है और 21 364 है, तो बहुत ज़्यादा गैप था। और प्रॉब्लम इसलिए पहले तीन चुनावों में कांग्रेस का बहुत अत्यंत प्रभाव रहा था, इसके कारण भी आप अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम एक और टॉपिक कर लेते हैं यहाँ पर, केरल में कम्युनिस्ट की जीत। तो 1957 में केरल पहला राज्य ऐसा बना था जहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने आकर कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी, परंतु इस 1959 में केंद्र ने अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के तहत यहाँ की सरकार को बहिष्कृत कर दिया था। आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर कोई भी राज्य सरकार कुछ ऐसा कार्य करती है या संविधान का उल्लंघन करते हुए दिखती है तो केंद्र सरकार उसको बहिष्कृत कर सकता है, ये केंद्र के पास ताकत होती है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू हो जाता है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने उस समय किया था और इसको इसका बहुत विरोध भी हुआ, पर इतना खुलकर विरोध नहीं हो पाया और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने वो अपना ठीक है। पर ये ज़रूर है 1957 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर उसने पहली बार इतना मतलब लोकतंत्र में अपना नाम दर्ज करवाया था। उससे पहले वो राजतंत्र वगैरह या फिर राजतंत्र में तो राजा होते हैं, बाकी जो भी फिक्स्ड गवर्नमेंट होती है कई कई देशों में वहाँ पर अपना नाम दर्ज, पर लोकतंत्र में पहली बार हुआ था ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, तो इट्स अ हिस्टोरिकल इलेक्शन फॉर कम्युनिस्ट पार्टी। अभी हम जो हमारी एनसीईआरटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टीज दे रखी हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो मैं आपको जो बता रही हूँ अगर आप हो सके तो वीडियो को पॉज करो, उसे राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और मैंने उसी तरह से आपको पॉइंट्स में आपको बताऊंगी जिस तरह से एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए अगर आप पॉसिबल है तो प्लीज़ नोट डाउन करें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समाजवादी पार्टी या जिसे सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। इसका गठन 1934 में अगर हम माने तो हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही युवाओं का संगठन था उसमें हुआ था इनका जन्म। पर बाद में 1948 में कांग्रेस ने इस ये दोहरी सदस्यता वाला रूल ख़त्म कर दिया और इन्होंने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। इसके संस्थापक नेता थे आचार्य नरेंद्र देव, इसी प्रमुख नेता हैं जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। ये क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन बताइए या फिर सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, कि किन्हीं भी दो प्रमुख नेताओं के या तीन प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए या सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता के नाम लिखिए। अगर हम इसकी विचारधारा की बात करें तो ये साम्राज्यवाद की मतलब फेवर करती थी और कांग्रेस और पूंजीवाद की आलोचना करती थी। पार्टी टूटने के बाद किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी इनके बहुत फेमस हुई, हाँ बट उतनी फेमस नहीं जितना उस टाइम स्टार्टिंग हुई थी। दूसरी पार्टी है हमारी साम्यवादी या फिर कहें हम कम्युनिस्ट पार्टी या इंग्लिश में बोलते हैं CPI शॉर्ट फॉर्म। ये वही पार्टी है जो कांग्रेस जो अभी हमने पढ़ा था केंद्र केरल में जीती थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका 1924 में भारत में कई साम्यवादी समूह उभरे और ये रूस की क्रांति से, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को अगर हम एक नेशनल या इंटरनेशनल स्केल पर देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा समाजवाद में वाले एरिया में थी, या फिर अगर हम आज का जो हमारा रूस है उसको लें या फिर उस टाइम का सोवियत संघ जो उसको पहले सोवियत संघ कहते थे आप जानते होंगे सब, तो उसमें वहाँ पर उसका ज़्यादा था उसके मतलब जो उनका फेवरेबल हैं वे वहाँ ज़्यादा थे। तो भारत 1935 में कांग्रेस के दायरे में रहकर इन्होंने काम किया था और 1941 दिसंबर में अलग हुए थे। अगर हम इनके गठन का बात करें तो 1924 में ही इनका गठन हुआ था। इसके समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल राज्य करते थे। इसके प्रमुख नेता थे AK गोपालन, SA डागे, EMS नबोईपाद, PC जोशी, अजय घोष और P सुंदरियम, ये इसके प्रमुख नेता थे। और जब केरल में ये जीती थी EMS नबोईपाद ही उस समय केरल के फिर CM बने थे। इसकी विचारधारा 1947 की आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है, इनका मानना ऐसा था। इस पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को भी छिड़वा दिया था, संसद सेनाओं द्वारा इन्हें दबाया भी गया था। 1951 में हिंसक क्रांति का इनका रास्ता छोड़ दिया था इन्होंने। हाँ पर ये मानते हैं कि जो 1947 में वो आज़ादी मिली वो सच्ची आज़ादी नहीं है, क्योंकि साथ में विभाजन भी मिला था। ये पार्टी 1964 में टूट गई थी दो भागों में, CPI और CPIM।
ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब हुआ, तो 1964 में हुआ था और ये दो भागों में टूटी, सीपीआई और सीपीआईएम। नेक्स्ट पार्टी की तरफ चलते हैं, स्वतंत्रता पार्टी। इसकी स्थापना 1959 में और इसके संस्थापक थे श्री राजगोपालाचार्य। इसकी विचारधारा थी सरकार अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करे, निजी क्षेत्र को छूट दी जानी चाहिए, जमीन की हड़बड़ी का विरोध था, गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध करती थी ये, सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध था, ये चाहते थे अमेरिका के साथ दोस्ती करें, अमेरिका से संबंध बढ़ाना चाहते थे। इसके प्रमुख नेता थे श्री राजगोपालाचार्य, के एस मुंशी, अंजीरंगा और मीनू मसानी। तो ये इसके फेमस नेता थे और स्थापना और संस्थापक मैंने सब आपको बता दिया। ये इतनी पार्टी है, इसके बाद यही कुछ आते हैं, मतलब पार्टी घुमा फिरा के इस पार्टी के संस्थापक का नेता बताओ, इस पार्टी का ये बताओ, इसकी विचारधारा क्या थी, इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और इसके संस्थापक थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। इनकी विचारधारा पढ़ते हैं, पाकिस्तान को भारत मिलकर अखंड भारत बनाया जाना चाहिए। इनका मानना है कि पाकिस्तान जिसको 1947 विभाजन में अलग कर दिया था, उसको फिर से दोबारा भारत में मिलाना चाहिए और अखंड भारत की स्थापना कीजिए। हिंदी को राज्य भाषा बनाओ, वैसे है अभी भी राज्य भाषा, शायद ये राष्ट्रभाषा की मांग होगी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों रियायत का विरोध, मतलब जैसे आपने देखा हो किसी गवर्नमेंट जॉब में एससी एसटी वाले अगर कम नंबर लाते हैं तो भी उनको जो मिल जाती है। मैं ये कहीं विरोध नहीं कर रहा, मैं आपको ये समझाने के लिए आप एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। जैसे आप सभी जानते हैं जनरल कट ऑफ बहुत हाई जाती है, फिर ओबीसी की थोड़ा मीडियम, एससी एसटी की बिल्कुल लो तक। ये अंग्रेजी भाषा का विरोध करते थे, इनका मानना था एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति। इसके मुख्य नेता थे श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मोदक। ये पार्टी भी बहुत, आप इसके बारे में अभी इस चैप्टर से तो नहीं, शायद आगे जो आगे चैप्टर उसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे इस पार्टी को, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है भारत की। इसकी स्थापना 1885 में हुई है और ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। और ये इस पार्टी की सबसे खास बात उस टाइम पर भी और शायद आज का तो मैं कह नहीं सकती, पर पास्ट में जब स्टार्टिंग हुई थी हमारे राजनीति की, भारतीय राजनीति अगर तब माने तो भारत कांग्रेस एक ऐसा समूह था जिसमें हर प्रकार की जाति के लोग थे, हर प्रकार के समुदाय के लोग थे, व्यापारी वर्ग भी था, गरीब वर्ग भी था, सबको। इसीलिए भारत कांग्रेस पार्टी को छाता संगठन भी, छाता भी कहा जाता है और सराय भी कहा जाता है। यह मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कांग्रेस को किसने सराय का नाम दिया और कांग्रेस को किसने छाते का नाम दिया था। महात्मा गांधी ने ही इसे इतना विकसित, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का हाथ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही कहा था कि इसे हर वर्ग में फैलना चाहिए कांग्रेस। इसलिए हम मानते हैं, अगर हम कहें कि कांग्रेस पार्टी को महा पार्टी या बहुजन पार्टी किसने बनवाया, तो हम इसको महात्मा गांधी ही लिखेंगे। 20वीं सदी में इसे जन आंदोलन का रूप लिया था और यही कारण है कि कांग्रेस का प्रभुत्व इसलिए ज़्यादा रहा, क्योंकि 1950 के समय जब भारत आज़ाद हुआ, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि नेता बहुत अच्छे अच्छे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये स्वतंत्रता क्रांति के नेता थे। और जो अगर विपक्ष पार्टी निकली भी हैं कुछ ये, तो ये कांग्रेस पार्टी से ही अलग हुई। अभी अपने पढ़ा पीछे कांग्रेस पार्टी से अलग हुई तो जनता इनको वोट ना देकर कांग्रेस को ही वोट देती है, या फिर कोई नया ग्रुप अगर कोई नई पार्टी बनती थी तो कांग्रेस उसको अपने अंदर शामिल कर लेती थी, तो ये बात अच्छी थी। और कांग्रेस का ये था, उसने सुनते थे सेनानाई थे हमारे, इसलिए भी जनता को ये लगता था कि हाँ ये पार्टी अच्छी है, और वो सुनते थे पहले से थी, इसलिए भी ये कारण थे कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहा इतने टाइम तक, कि जब तक नेहरू जी रहे तब तक तो रहा ही। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने इसको अच्छा नहीं माना, बहुत आलोचना हुई थी बात की, पर अगर हम साइंटिफिक या अपने तरीके से देखें एक, तो ये ज़रूरी नहीं, या ऐसा पहली बार ही नहीं हुआ कि भारत में ही एक पार्टी है। वो तो उसमें संजय सेनाई थे, लोगों की देशभक्ति के कारण उन्होंने उसी को वोट दिया, पर सिर्फ ऐसे भारत में नहीं है, ऐसे बहुत देश हैं विश्व स्तर पर जिनमें एक ही पार्टी का है। जैसे अगर हम कुछ पार्टी जो है संविधान में एक ही पार्टी, मतलब संविधान के द्वारा ही एक ही पार्टी का आप चूज कर सकते हैं, आपके पास कुछ चॉइस नहीं है। जैसे अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी को लेते हैं तो चीन, क्यूबा और हमारे पहले सोवियत संघ, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को आप ले सकते हैं, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, तो वहाँ पर भी तो एक पार्टी का प्रभुत्व था। या फिर कई बार होता कानूनी और सेनाय उपाय कारण भी कुछ देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व होता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान ले लें तो पाकिस्तान में भी है ये कि अगर प्रधानमंत्री
कि प्रधानमंत्री को हटा देते हैं सैन्य सिमता, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टॉपिक है। और हम इस बेलारूस और कैमर देश हैं, वहाँ पर भी ऐसा है कुछ। तो ये ज़रूरी नहीं भारत में ऐसा था, ऐसा बहुत अलग अलग देशों में हो रहा है, हम सिर्फ ऐसे भारत की। हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ भारत नया नया सुनते तो आलोचना करना थोड़ा, हाँ अगर हम पुट लैग पुट कहें कि लैग पुलिंग कहें तो हो, ऐसा हो रहा था। लास्ट टॉपिक है विपक्ष पार्टियों का उद्भव। तो कांग्रेस के सामने विपक्ष तो था पर तो बहुत कमज़ोर था वो, आप खुद देखिए 16 पार्टी सेकंड हाईएस्ट कम्युनिस्ट पार्टी बन रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा थी अपने लेवल पर, तो उसके पास इतना विपक्ष नहीं था। 1950 के इन सभी दलों को लोकसभा विधानसभा चुनाव में कहने का प्रतिनिधित्व था, लेकिन फिर भी इन दलों ने हमारे शासन, ये है कि अगर आप देखिए अगर विपक्ष होता ही, चाहे वो कमज़ोर था पर था, तो अगर विपक्ष होता ही नहीं तो भारत में लोकतंत्र कभी स्थापित ही नहीं हो सकता। आपने देखा होगा अगर रेस, मैं आपको एग्जांपल समझा रही, अगर रेस हो रही है तो अगर उसमें एक बच्चा दौड़ेगा तो फर्स्ट तो वही आएगा ना, तो वो कैसी रेस हुई? तो रेस तो वही है जिसमें पार्टिसिपेंट्स हो, पोजिशन होल्डर्स को निकाला जाए। तो ऐसा ही लोकतंत्र में था, अगर सिर्फ कांग्रेस को ही रहना है, अगर कांग्रेस अकेली पार्टी होती, कोई विपक्षी ना होता उसके साथ, तो फिर लोकतंत्र क्या होता? वो तो फिर तानाशाही होती ना कि हाँ कांग्रेस ही राज करेगी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो लोकतंत्र बनाने में इन पार्टियों की बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारा साथ। आप, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाना, जैसे आप फिल्म देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स आई थिंक देखते होंगे, तो फिल्म में सिर्फ हीरो ही तो नहीं होता ना, विलन का भी बहुत रोल है। अगर किसी फिल्म में विलन नहीं होता हीरो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। सेम हेयर है, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है, इन्होंने सकारात्मक तरीके से आलोचना की थी, मतलब अगर किसी कोई बात इन्हें पसंद नहीं आ रही है विपक्ष को, तो वो डायरेक्ट उसको संसद में कह रहे, ऐसे नहीं पूरा रेल निकाल के। जैसे अभी एट प्रेजेंट मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ, मतलब अब इतनी सकारात्मकता किसी पार्टी में रही है ना, पर उस टाइम बहुत सम्मानपूर्वक आप आलोचना कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से आप डायरेक्ट बोल रहे संसद में कि ये अच्छा नहीं है, इसके ये दोहराए हो रहे हैं या इसका ये दुष्परिणाम है, आप इसको ठीक करें। और अच्छी बात ये है, कांग्रेस भी उसके बारे में सोचती थी और चेंज भी कर लेती थी जो चेंज करने का था। तो उस टाइम बहुत समानता, सकारात्मकता, इज्जत कैसे था उसका भाव था एक दूसरे के प्रति। अंतरिम सरकार, नेहरू जी अगर हम ऐसा माने कि नेहरू जी किस पार्टी को पसंद करते थे, वो थे कांग्रेस में, बट वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट पार्टी को पसंद करते थे और वो अपना प्रेम उसकी तरफ दिखाते भी थे हमेशा। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की मुख्य भूमिका निभाई थी, इसी कारण कांग्रेस ने दूसरी पार्टी को पीछे बहुत ज़्यादा प्राप्त किए। तो ये है कि हाँ कांग्रेस पार्टी बहुत ही, आपने पढ़ी, अभी नेक्स्ट चैप्टर में और भी पढ़ेंगे कि आप आगे कैसे कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हुआ, बट फिलहाल यहीं तक था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो उनसे आपसे पूछे गए हैं, अपने स्कूल ग्रुप्स वगैरह में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे यूट्यूब ओनर विजय सर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सर से कहें कि आप हमें ऐड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये वीडियो वहीं पर मिल जाएंगी। और डेली वर्क ऐसे, मतलब काम भी आता है वहाँ पर आपकी क्लास का, तो आप सर को क्लास मेंशन कीजिए और देन आप वहाँ पर ऐड हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।